पुलिस दी गिरफ्त च खड़ी इस महिला दी कातला नाम मुस्कान ते ना जायो। इस दे पिछे दी वजह सुन के तुसी हैरान हो जाओगे, तंग रह जाओगे ते इस महिला नू लानता भी पाओगे। हो सकदा है तुहाडे मुंहों अपशब्द भी निकल जान, पर ना ना अजिहा बिल्कुल नहीं करना। पर इसने जो कम कीता है वह वाकई है तो लानता दे लायक। जी हाँ, इस महिला का नाम है गुलाबी देवी, जिसनू शायद मासा भी संग शर्म नहीं आती, जिसते कतल करन दे इल्जाम लगे ने, पर उसके बावजूद भी खिड़खिड़ हस रही है, मुस्कुरा रही है। दरअसल इस महिला दे सिर प्यार दा जिहा पोत सवार होया कि अपने पति दी ए वैरी बन बैठी, अपने आशिक नू पाउण दे लई अपने सुहाग नू उजाड़ दिता, जिस नाल इकमिक हो के रहन दे वादे किते होने पलां च ही उन्हां वादियां नू तहस नहस कर दिता, सब कुछ बर्बाद कर दिता, सिर्फ ते सिर्फ अपने आशिक नू पाउण खातर। इल्जाम तां एही लग रहे ने। रिश्तियां नू तार तार करन वाला है मामला निकल के सामने आया है सोनीपत, जिथे इस महिला ने अपने प्रेमी नाल मिलके अपने सिर दे साई नू मौत दे घाट उतार दिता ते उसकी लाश नू झाड़ियां च दब दिता। मिली जानकारी मुताबक है परिवार बिहार तो सोनीपत के बरोट पिंड च रहन लई आया सी। 24 अक्टूबर नू इन्हां मुलजमां ने शख्स का कतल करके लाश नू झाड़ियां च दफना दिता। इस तों बाद दोवें बिहार भज गए। जदों परिवार वालियां ने इसकी शिकायत बिहार पुलिस नू दित्ती तां पुलिस जांच च सामने आया कि व्यक्ति का कतल उसे दी पत्नी अते प्रेमी ने किया है। जद GRP पुलिस ने झाड़ियां नू खंगालिया तां उत्थों एक व्यक्ति का कंकाल मिलिया। परिवारक मैंबरां मुताबक मृतक की पत्नी दे पिंड दे ही एक नौजवान दे नाल प्रेम संबंध सन, दोहां ने मिलके ही इस वारदात नू अंजाम दिता है। परिवार इंसाफ की गुहार ला रहा है, मुलजमान नू सख्त तो सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। भाई का जो पत्नी है ना, तो उसी के मिली भगत से, एक लड़का गांव का था, उसे अवैध संबंध था उसके साथ। हाँ, उसके साथ। अच्छा जी जी। उन्होंने फिर हत्या कर दी। क्या बोल के लेके आए थे गांव से? गांव से कमाने जाते हैं। अच्छा। 10-11 अगस्त को घर से आए। आपको कैसे पता चला? यहाँ से कुछ दिन तक, 1-1.5 महीने तक बातचीत होता रहा भाई से, बीच बीच में कभी कभी हम समझते रहे चलो ठीक है, 1-1.5 महीने से नहीं बातचीत हुआ तो थोड़ा सा शक हुआ। अच्छा, उससे कितने दिन से संबंध थे इसके? करीब 1.5 साल कहा जाए। दोनों के संबंध थे? जी जी जी, अंदाजा के मुताबिक 1.5 साल। अच्छा, उसको रस्ते से हटा दिया इन्होंने मार के? जी जी जी। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने दसिया कि कंकाल नू बरामद कर लिया गया, उसका पोस्टमार्टम करवा के DNA टेस्ट करवाया जाएगा, दोहां नू अदालत च पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। एक आरोपी विजय कुमार हुआ है, एक लेडीज गुलाब देवी को साथ लेकर के यहाँ पहुंची है, जो कि विजय कुमार ने जो है करीब 1.5 महीना पहले यहाँ एक आदमी की हत्या करने बतलाई, मौके जहाँ उनके बतलाए अनुसार मौके पहुंचा गया। मौके पर जो है कुछ कंकाल हड्डियाँ मिली हैं, उन्होंने निशानदेही भी की भाई मान लो यहाँ पे हमने उनका मर्डर किया है, उन्होंने कोई लकड़ी का मोटा डंडा उसके पीछे गर्दन के पीछे मारा बतलाया है। वहाँ कहीं मिट्टी में दबाया गया था क्या? नहीं, वैसे झाड़ियों में छुपा कर क्या, वैसे खाली जमीन रेलवे में झाड़ियों में छुपा कर डाल गए थे। वहाँ पे कोई कंकाल या कुछ शरीर बरामद हुआ? कंकाल हड्डियाँ मिली है, कुछ एक जवाड़ा मिला है मुँह का जो दांत सहित है, और उसके अलावा अन्य 7-8 हड्डियाँ मिली है। क्या उनको DNA के लिए भेजा जाएगा? कल उनका पोस्टमार्टम करा करके उनका DNA सैंपल लेकर के FSL में जो जमा कराया जाएगा, और जो भी इनकी तरफ से शिकायत करता है उसका DNA लिया जाएगा, उसका DNA का मिलान किया जाएगा। इस महिला की घिनौनी हरकत नु वेख के तुसी ही दसो कि की आखिए, की कहिए, की कहिए इन्हां मुलजमां नु, जिस सुहाग नु बचाउण दे लई उसकी लंबी उम्र दे लई महिलावां करवा चौथ दे वर्त रखदियां ने, इस मुलजम ने तां अपने हत्थी अपना घर उजाड़ लिया ते अपने सुहाग नु खत्म कर दिता। उधरों रता भी संग शर्म नहीं, पुलिस की गिरफ्त च खड़ के भी मुस्कुरा रही है, खिड़खिड़ हस रही है। तुसी ही दसो इस बारे की समझिए। BTC न्यूज़ ले सोनीपत तो जयदीप राठी की रिपोर्ट।